स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल भूमि में। मैं हूं आपके साथ। जो इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां बम्लेश्वरी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को की बस को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर पावन यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी मुख्यमंत्री ने दी। सभी श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। मां बम्लेश्वरी के जयकारे और भजन कीर्तन के साथ यह यात्रा शुरू हुई। गढ़वासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी की कृपा पूरे छत्तीसगढ़ पर रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके जीवन में सुख समृद्धि हो। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज काली माता अन्नदाता समिति द्वारा 4 बस मुफ्त में चलाया जा रहा है, जो मां बम्लेश्वरी का दर्शन डोंगरगढ़ में कराएगा। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और पहल में हो रहे भव्य सैन्य समारोह के लिए राजधानी रायपुर पहुंचे भारतीय सेना के भीष्म टैंक के और आर्टिलरी का शानदार स्वागत किया गया। इसके बाद एक रैली के रूप में टैंक सैन्य उपकरण रायपुर शहर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव कलेक्ट्रेट स्तंभ और आश्रम चौक होते हुए साइंस कॉलेज मैदान तक पहुंचा। शहर के नागरिकों में इसे लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिला। सैकड़ों लोग इस शानदार रैली को मोबाइल से कैप्चर करते नजर आए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलरामपुर जिले के राजपुर में आयोजित धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में 192.60 करोड़ रुपए की लागत के 108 विकास कार्यों का भूमि पूजन शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। उन्होंने जिलेवासियों को विकास कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी। विकास कार्यों में 97,57,000 रुपए के 5 कार्यों का लोकार्पण और 191.63 करोड़ रुपए के 103 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर रायपुर से है, जहां 2008 बैच के आईपीएस श्री डी श्रवण एनआईए में प्रतियुक्ति पर जा रहे हैं। राज्य शासन ने प्रतिनियुक्ति की अनुमति दे दी है। डीआईजी रैंक के अफसर डी श्रवण 5 साल की प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि डी श्रवण बस्तर और कोरबा में बतौर एसपी रह चुके हैं। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा दीपावली सीजन को देखते हैं और सभी किराना दुकान होटल ढाबा में अमानक खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई की गई। 50 खाद्य पदार्थों का जांच किया गया, जो कई अमानक पाए गए तथा सभी को नष्ट किया गया, कई पर कार्रवाई की गई। तो खाद्य पदार्थों की जो है लेकर जांच किया गया है और सैंपल भी लिए गए। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप महेश्वरी बलौदा बाजार से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, अब जो है अलर्ट मोड पर खाद्य प्रशासन विभाग नजर आ रहा है। कई दुकानों होटलों पर जो है उन्होंने जाकर दबिश दी और छापे के तौर पर कह सकते हैं कि उन्होंने इस दौरान सैंपल भी लिए हैं। क्या जानकारी, पूरा मामला क्या है? आपको बता दें, त्योहारी सीजन चालू हो गया, दिवाली है, दशहरा है और नवरात्र चल रही है। इससे पहले यहाँ पर अमानक जो खाद्य पदार्थ जो बेचे जाते हैं, इसके कारण कई बार प्रशासन को डायरिया का मौका हुआ कई बार। तो उसको ध्यान देखते हुए इसको कलेक्टर दीपक सोनी ने सख्त निर्देश दिए थे कि जो भी जो त्यौहार का सीजन चल रहा है तो उसमें जो भी सामान जो बेचा जाए, होटलों में बेचा जाए, किराना दुकानों में बेचा जाए, जो तेल भी है जिसकी गुणवत्ता अच्छी होना चाहिए, होटलों में भी जो मिठाइयाँ जो बांटी जा रही है उसमें जो बेची जा रही है तो उसमें अच्छी रहे, ताकि किसी को जनमानस में किसी तरह का नुकसान ना हो, जो स्वास्थ्य को खराब होता है। और खासकर ये जो मिलावटी जो काला बाजार जब स्टार्ट होती है, जो नकली खोआ, नकली घी, जो ये सीजन अब हिंदू त्योहार खास जो नवरात्र चालू हो गई है, जिसमें महिलाएं उपास रहती हैं और जब मिठाई से उपास जब होती है मिठाई खाती है, तो जो
तो नकली खोवा की जो मिठाइयाँ बनती हैं स्वास्थ्य बहुत नुकसान करता है। उसी बात को ध्यान देते हुए जिला प्रशासन की ओर से बहुत सख्त नजर दिया गया था और आज कल जिले में लगभग 50 सैंपल उठाए गए हैं, जिसमें 5-7 कौन सा खराब पाए गए, उसको नष्ट भी किया गया सामने का और कड़ी चेतावनी दी गई। यदि इस प्रकार का भी मामला काला बाजारी और गलत गलत काम भी किया जाएगा और हमारा खाद्य बेचा जाएगा तो ठोस कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन भी इस वक्त बहुत कड़े मूड में है और कोई भी तरह की जो परेशानी होती है, डायरिया फैल जाता है, कई बार फूड पॉइजनिंग की शिकायत आती है, जब प्रशासन की बहुत चिंतनी होती है उसको ध्यान में रखते हुए इस वक्त लगातार ये दिवाली तक सैंपल उठाए जाएंगे। बिल्कुल प्रदीप, त्योहारी सीजन चल रहा है और ऐसे में अगर हम देखें जो मिठाइयों की दुकानें हैं या जो भी जो श्रद्धालु हैं इस दौरान जो भी भोजन करते हैं प्रसाद के रूप में चढ़ाते, तमाम चीजों को लेकर जो है खास तौर पर हम घर पे तो सतर्कता बरतते हैं, हालांकि दुकान से इसकी शुद्धता की गारंटी हमें नहीं मिलती है, लेकिन अब जब खुद प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई देखी गई है तो जहां जहां जो इस तरह के मिलावटी खाने पीने की चीजें मिली है क्या कुछ कार्रवाई की गई है अभी तक और क्या निर्देश जारी किए गए? आपको बता दूं जितने सैंपल उठाए गए थे उन सैंपल को तो सील करके अपने रायपुर में जो लैब है अपने वहां पर भेजा गया और जो जो छोटे दुकानदार है जो जिनको इस पर कार्रवाई जो प्रशासन नहीं चाहता इनके बाद जो कानूनी कार्रवाई है उनको जिनको जो सामान को होटल में लेकर नष्ट किया गया जो हमारे रीजन बता गया है तो जो बड़ी जो दुकानें हैं जहाँ होटलों में जो बड़ी मात्रा में जो खोआ जो नकली खोआ जो कुंडू करके जो आता है खासकर मध्य प्रदेश में बहुत सप्लाई होता है उसकी खूब जाँच की गई है और उसको जिसको लेकर के नष्ट किया गया है और सिलेक्ट होने पर कड़ी चेतावनी दी गई। यदि इस प्रकार की कंपनी त्यौहार से कृषि पूछी जाएगी तो आपके पास कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, अगर हम बात करें होटल ढाबों की तो कितने दुकानों पर इस तरह की कार्रवाई की गई है? कल 50 होटल है, दुकान है, ढाबा है, इनमें कार्रवाई की गई है जिसमें 14-15 को तो वहीं नष्ट किया गया था। जो छोटी दुकानें थी जहाँ पर जनरिक सेंटर था जहाँ पर मानक पाया गया था तो उनको वहीं तत्काल नष्ट किया जा रहा है और जो भी जो किराना दुकान है उनके जो सैंपल्स है जैसे तुम्हारे तेल के सैंपल कल बहुत सारे उठाए गए थे और मिर्ची के है उस पर जो खाद्य जो है अमानक तरीके जो मतलब खासकर नकली सामान जो ज्यादा बिकता है उसके सैंपल सीलिंग कर करके लैब भेजा गया। बिल्कुल, एक ही क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई है या अन्य जगहों पर भी प्रशासन की ओर से ये जांच जो है वो जारी है? आपको बता दें कि कलेक्टर दीपक सिंह द्वारा सख्त निर्देश दिए हैं कि लगातार कार्रवाई दिवाली तक चलेगी तो कल यदि प्रशासन एक दिन में 50 सैंपल उठाता है तो निश्चित ही कहा जाए कि अच्छी कार्रवाई है और जो लोग आने वाले समय जो त्योहारी सीजन जब चलेगा तो लोगों को बहुत अच्छे खाने मैंने शुद्ध चीज मिलेगी होटलों में जिससे प्रशासन यदि एक्शन मोड में है तो निश्चित ही व्यापारी बहुत डर जाता है और उस तरह से काम सही करते हैं तो इस प्रकार के आने वाले समय जो फूड पॉइजनिंग की शिकायत है या कोई शिकायत है नहीं मिलेगी। प्रदीप, अगर हम त्योहारी सीजन की बात कर रहे हैं तो हम हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर जो विवाद सामने आया था उसे नहीं भूल सकते हैं और उसके बाद से ही हम देखें तो कहीं ना कहीं तमाम इस तरह के धार्मिक स्थलों पर या फिर दुकानों पर जो है जांच की जाने लगी है, तेज हो गई यह प्रक्रिया। लेकिन अब अगर हम दीपावली की बात करें किस तरह से इसको देखते हुए किस तरह से प्रशासनिक तौर पर सतर्कता देखी जा रही है, क्या कुछ कार्रवाई दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूँ छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ तो डोंगरगढ़ में जो बमलेश्वरी माता है बहुत आदि शक्ति है जहाँ पर प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा लोग दर्शन करते हैं। जब वहाँ पर भी जब वो उनका जो प्रसाद जब पका रहे पोल्ट्री फॉर्म में जब प्रसाद की शिकायत मिली थी और प्रशासन ने बहुत कड़ी कार्रवाई की है तो उसके बाद भी जिला छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पूरे जिले प्रशासन को सख्त दिए गए थे कि नवरात्र जो है जब चल रहे हैं तो उस पर ऐसी कोई भी शिकायत नहीं है। तिरुपति बालाजी है डोंगर बमलेश्वरी माता में जब शिकायत आई थी कि जहाँ पर जो मांस की दुकानों में और नकली जब चीज प्रसाद बांटा जा रहा था तो इस प्रकार की जो कार्रवाई है शासन के निर्देश से की जा रही है जहाँ पर एक दिन के अंदर 50 सैंपल उठाए जा रहे हैं तो निश्चित है कि प्रशासन इस वक्त किसी प्रकार के लिए ढिलाई बरतने की बुद्ध करी और सख्त कार्रवाई करके और जनमानस को एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े 2024 के समापन के अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम परिसर में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने खादी और ग्रामोद्योग विभाग के प्रदर्शनी का दौरा करते हुए अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी भी खरीदी। सीएम साय ने भिलाईगढ़ के संत बेसाहू दास महंत राज्य पुरस्कार से पुरस्कृत देवानंद देवांगन तैयार गोदना पेंटिंग आर्ट वाली कोसी की साड़ी खरीदी है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की वे अधिक से अधिक खादी का उपयोग करें। वहीं सीएम ने स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए मौली माता स्वर्गीय सहायता समूह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं निर्मित प्लास्टिक
फ्री सैनिटरी नैपकिन के बारे में जानकारी ली और स्वच्छता दीदियों को सैनिटरी नैपकिन भेंट भी किए। महात्मा गांधी की जयंती पर शुष्क दिवस घोषित किए जाने के बाद भी भिलाई शहर में जमकर मनमाने रेट में शराब परोसी जा रही है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद हमारे इंडिया वॉइस की संवाददाता ने स्टिंग ऑपरेशन करके शराब बेचने के मामले का पर्दाफाश किया। इस बात की जानकारी लगते ही सुपेला थाने की टीम मौके पर पहुंची और खानापूर्ति करके तीन लोगों के खिलाफ BSS 170 के तहत कार्रवाई करके अपना पल्ला झाड़ दिया। वहीं आबकारी अधिकारी भी शराब बेचने के मामले को लेकर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीकांत दास दुर्ग से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, क्या है ये पूरा मामला? श्रीकांत, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बताते चले, इंडिया वॉइस ने स्टिंग ऑपरेशन किया और इसी के तहत इसका खुलासा हुआ है, शराब बेचने का पर्दाफाश किया गया है। और एक बार फिर से श्रीकांत हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल। पूरा मामला क्या है? जी, कल महात्मा गांधी जयंती थी और लगभग छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में शराबबंदी को जाहिर माना जाता है, परंतु भिलाई जो छत्तीसगढ़ से राजधानी जो 40 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे पूरे दिन अलग अलग बार में हम जाके पता किए, देखे कि शराब लगातार परोसी जा रही है, डबल रेट में लगभग यहाँ पे शराब बिक रही थी, जिसकी जानकारी हमने जब आबकारी विभाग को देने को चाहिए तो वहाँ पे आबकारी विभाग हमारे द्वारा फोन नहीं उठाते हैं। जब यहाँ पे CSP को फोन किए जाते हैं, भिलाई नगर CSP को, तो वो वहाँ से टीम आती है, सिर्फ दो स्टाफ आता है और वहाँ पे थाना पूर्ति करती है, 151 धारा लगा करके चले जाती है और वहाँ पे शाम तक उनके मुकलची की जमानत हो जाती है। कहीं ना कहीं इस तरह से देखा जाए तो सिर्फ एक बार नहीं, हम रात 11 बजे तक देखे हैं, सुबह से लगातार अलग अलग यहाँ पे लोटस बार है, वहाँ पे भी शराब डबल रेट पे मिली, बबीना बार हो गया, पेपर चिल्ली, अलग अलग बार पे हम देखें। जो भी बताना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करें तो शराब लगभग बहुत हावी रही है, पूरी सरकार बदल गई यहाँ पे, विष्णुदेव सहाय की सरकार बनी यहाँ पे, भूपेश बघेल के ऊपर लगातार शराब को लेकर के आरोप लगे हुए हैं और उससे पहले गंगा जल लेकर के उनके ऊपर आरोप लगाएगी शराबबंदी को लेकर के। यहाँ पे सवाल उठना लाजमी है कि एक दिन ड्राई डे के दिन भी अगर जिला प्रशासन शराबबंदी पूर्णता नहीं कर पा रही है तो छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की बात करना बेईमानी ही साबित होती है, जिसकी हमने रियलिटी जब चेक की तो यहाँ पे पूरी तरीके से देखे कि आप विजुअल में जैसे कि देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं, हर जगह अलग अलग बार में हम जाते हैं और वहाँ पे स्टिंग ऑपरेशन करते हैं और वहाँ पे शराब डबल रेट में बिकती है। बिल्कुल, एक तरफ बड़े बड़े दावे और दूसरी ओर ड्राई डे के दिन जो है इस तरह से मनमाने रेट में शराब की बिक्री, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और सरकार तमाम जो प्रक्रिया सिस्टम है उन पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि एक दिन भी जहां एक दिन थोड़ी सी छूट मिली, लोग जमकर इसमें जो है सने हुए नजर आए और शराब मनमाने रेट पर खरीदी जा रही है, कोई भी सिस्टम और नियमों का कोई भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जो भी बताना चाहेंगे कि दुर्ग जिला इससे अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ जब गृह मंत्री विजय शर्मा है जो उप मुख्यमंत्री, यहाँ जिला के प्रभारी भी है, दुर्ग जिले के मंत्री भी हैं, उसके बाद भी यहाँ के जो अधिकारी है मनमाना उनका चलता है, चाहे किसी भी विभाग की बात करें, ना वो पब्लिक के प्रति जवाबदेही रखते हैं ना सरकार के प्रति जवाबदेही रखते हैं। हमने कलेक्टर तक को यहाँ पे संज्ञान मिला है, उनके द्वारा सिर्फ कार्रवाई की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ जो लीगल शराब अगर इस तरीके से बिक रही है तो इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कितना अलीगल सामान और नशे की चीजें किस तरीके से बिक्री होती होगी। कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह यहाँ पे विष्णुदेव सरकार की, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में BJP की सरकार है, राज्य में BJP की सरकार है, और उसके बाद भी अगर इस तरीके की कानून व्यवस्था और लचर व्यवस्था देखते हैं तो कहीं ना कहीं आम नागरिक की नजर में ये चीजें
खटकती है और उनको लगता है कि हम सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे कट्टरबाजी होती है, चाकूबाजी होती है, नशे में लोग युवा बर्बाद हो रहे हैं। श्रीकांत, कितने लोग इस दौरान शामिल थे, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 लोगों के खिलाफ ही जो है कार्रवाई की गई है। जी बताना चाहेंगे, यहाँ पे जो जी रोड पे नेशनल हाईवे में जो एक होटल है लोटस, वहाँ पे 3 स्टाफ के ऊपर कार्रवाई की गई। मात्र एक जो धारा है, जो नॉर्मल धारा है 151 जो लगाई गई थी इनके ऊपर पुलिस विभाग के द्वारा, और उनको शाम यहाँ पे जमानत मिल जाती है। जी जुई बिल्कुल, अब पुलिस क्या कुछ कह रही है तमाम चीजों को लेकर? जी यहाँ पे पुलिस अपना पल्ला झाड़ते हुए साफ कह रही है कि ये जो कार्रवाई पूरी तरीके से आबकारी विभाग सील करती है दुकानों को, और उनकी जवाबदारी ज्यादा होती है क्योंकि आबकारी विभाग पूर्णतः शराब के ऊपर बनाई गई है, उसपे कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है, पूरा डिपार्टमेंट ही गवर्नमेंट बनी हुई रहती है आबकारी विभाग, और पुलिस विभाग यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल कार्रवाई करती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आबकारी विभाग का यहाँ पे उदासीनता दिख रही है, क्योंकि जो बार और रेस्टोरेंट है उसमें जो बार होता है उसको सील किया जाता है, पर रेस्टोरेंट की जो रस्ते है उसको सील इसलिए नहीं किया जाता कि वो रेस्टोरेंट है और वहीं से शराब परोसी जाती है डबल रेट पे। जब इस तरह के ड्राई डे होती है या जब शराब बंदी है एक दिन या दो दिन के, जब भी होती है, चाहे किसी भी चुनाव हो या कोई भी ऐसा मौका होता है जहाँ पे शराब बंद रहती है, और यहाँ पे मुनाफाखोर जो होते हैं डबल से ट्रिपल रेट में शराब बेचते हैं। जी जुई बिल्कुल, श्रीकांत जिस तरीके से हम देखें ड्राई डे के दिन भी लोग जो है इसमें सने हुए लिप्त नजर आ रहे हैं, और वहीं अगर हम देखें तो कार्रवाई की जाती है लेकिन उन्हें जमानत भी मिल जाती है। किसकी लापरवाही, किसकी कमजोरी हम माने, क्योंकि जब देखें तो कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन तमाम लोग इससे अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे, अधिकारी कुछ बोलते नजर नहीं आ रहे। जी यहाँ पे कल जो बताना चाहेंगे कि कल नवरात्रि का आज पहला दिन है, कल लगभग सब जगह नवरात्रि का पर्व के लिए तैयारी है, माता की मूर्ति खरीदने के लगभग ट्रैफिक जाम से लेकर के तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहती है, जिसको पुलिस प्रशासन के ऊपर चुनौती रहती है। यहाँ से डोंगरगढ़ कुछ दूरी पर जहाँ पे यहाँ पे पैदल यात्री भी निकलते हैं, जिसको लेकर के पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरीके से मुस्तैद रहती है, तो कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी भी यहाँ देखी गई। मात्र 2 स्टाफ आते हैं यहाँ पे, जो पेट्रोलिंग टीम आती है और वहाँ पे जब जाते हैं तो उनके द्वारा थाने में जानकारी जब हम लेते हैं तो उनके द्वारा कहा जाता है कि वहाँ पे शराब एक भी बोतल नहीं मिली वहाँ पे, लेकिन जब हमारे तो वहाँ पे खरीदा जाता है, परचेज किया जाता है अपने पैसे से बिना बताए पत्रकार नहीं, अगर कि हम जब जाते हैं ग्राहक बन के, आम ग्राहक बन के, तो वहाँ पे बाकायदा हमें शराब चाहे वो किसी भी ब्रांड की हो, बियर हो या तमाम बड़े ब्रांड हो, पूरे डबल रेट में हमें वहाँ पे खरीदते हैं। जी जुई बिल्कुल श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और 68 साल की सास ने अपने छोटे बेटे के साथ बहू के खिलाफ सत्याग्रह छेड़ दिया है, न्याय पाने दोनों राज्य में SDM के दफ्तर के सामने आमरण अनशन पर बैठे। सास का कहना है कि बहू ने घर पर बलात् कब्जा कर हमें बेघर कर दिया है, SDM कोर्ट के निर्देश के बावजूद प्रशासन हमें हमारा घर वापस नहीं दिला पा रहा है, सिस्टम से हार गई और इसलिए अब यह रास्ता अपनाया है। ये पूरा मामला फिंगेश्वर का बताया जा रहा है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में बदहाल सड़क से परेशान लोगों का गुस्सा फूटा, जिसके बाद लोगों ने अनोखा तरीका अपनाते हुए प्रदर्शन किया। शहर के मुख्य चौराहे पर विधि विधान से सिस्टम का श्राद्ध सरगुजा किया जा रहा है। प्रदेश में सरकार तो बदली लेकिन नहीं बदली तो अंबिकापुर शहर की सड़क की तस्वीर। दरअसल अंबिकापुर नगर निगम के साथ ही आसपास की सड़कें बदहाल हो चुकी है, या यूं कहें कि गड्ढों में सड़क है और इससे सड़कों से गुजरने वाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई बार प्रदर्शन के बाद भी सड़कों की स्थिति नहीं सुधरी और इन सड़कों का पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, मौजूदा सांसद चिंतामणि महाराज, विधायक सहित कलेक्टर ने भी जायजा लिया, लेकिन सड़कों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। तो विधि विधान से सिस्टम का श्राद्ध किया है, लोगों ने सड़कों की बदहाल हालत से तंग आकर कई दफा प्रदर्शन भी किया, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, शासन प्रशासन ने अपनी आंखें मूंद ली। और वहीं इस अनोखे प्रदर्शन का वीडियो भी वायरल हो रहा है, अंबिकापुर का यह मामला बताया जा रहा है। तो
लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और विधि विधान से सिस्टम का श्राद्ध कर दिया। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित एनएमडीसी माइनिंग क्षेत्र से लौह अयस्क की तस्करी कर रहे दो ट्रकों को पकड़ा गया है। इन दोनों गाड़ियों में लौह अयस्क भरकर किरंदुल के माइनिंग यार्ड एमबी साइडिंग से पालनार नाकुलनार होते हुए रायपुर लेकर जाया जा रहा था। ये तस्कर पूरा सिंडिकेट बनाकर लंबे समय से वन विभाग, माइनिंग और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर तस्करी कर रहे थे। तो दंतेवाड़ा का यह मामला बताया जा रहा है जहां लौह अयस्क की चोरी और दो ट्रक इस मामले में जब्त किए गए हैं। तो एनडीएमसी में लौह अयस्क की चोरी और मामले को लेकर दो ट्रक जब्त किए गए हैं और ये तस्वीरें और छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने इंडिया वॉइस के साथ।